अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूँ आयशा अहमद। आज हम आपको आलू के कटलेट्स बनाना सिखाएंगे। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए आपको जिन अज्जा की जरूरत है उनमें आलू आधा किलो, हरा धनिया पुदीना आधी आधी गड्डी, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, काले मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका। आलुओं को कोटिंग करने के लिए मैदा 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1/2 कप, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर चिकन पाउडर ना हो तो उसके बगैर भी कटलेट्स बन सकते हैं। 2 अदद अंडे, 1 कप ब्रेड क्रम्स और फ्राई करने के लिए 1/2 कप ऑयल। बनाने का तरीका, सबसे पहले आलुओं को उबाल कर छील लें और एक प्याले में तमाम आलुओं को रख के मसल लें। अब इसमें कुटी हुई हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च शामिल करें। सुर्ख मिर्च, काले मिर्च, नमक, अजवाइन, जीरा, इन सब को शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स किए हुए बैटर की टिक्कियां बनाकर ट्रे में सेट कर लें। अब इसके बाद मैदे में कॉर्नफ्लावर शामिल करें और उसमें 1/2 स्पून नमक, काले मिर्च, चिकन पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करें। अंडों को फेंट के एक प्याले में रख लें। अब एक एक टिकिया को उठाकर मैदे के बैटर में अच्छी तरह से डिप करके झाड़ लें। इसके बाद फिर इसको अंडे के बैटर में डिप करके उठाएं और फिर ब्रेड क्रम में डिप करके इसको ट्रे में सेट करते जाएं। इसके बाद फ्राई पैन या तवे पे थोड़ा ऑयल डालकर कबाब को फ्राई करके प्लेट में निकालकर पेश करें। याद रहे कि ये हल्के ऑयल में तले जाते हैं तो इसको फ्राई पैन या तवे पर ही फ्राई करना चाहिए। आलू के कबाब में आप चिकन भी शामिल कर सकते हैं और चने की दाल भी। अपने जायके के मुताबिक किसी भी चीज के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन सिंपल आलू के कबाब ऐसे तैयार किए जाते हैं। तैयार किए हुए आलू के कबाब चटनी, रायते या केचप के साथ खाए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।